आगरा में सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के ऐप को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। देश में चल रहे किसान आंदोलन के चलते लोहा व्यापार पर विपरीत असर पड़ रहा है। लोहे के रेट आसमान छू रहे हैं, जिससे लोहा व्यापारी खासे परेशान हैं। देश में चल रहे किसान आंदोलन के चलते लोहा व्यापार पर विपरीत असर पड़ रहा है। लोहे के रेट आसमान छू रहे हैं, जिससे लोहा व्यापारी खासा परेशान है। देखिए भाई साहब, जहाँ तक किसान आंदोलन का है, इस किसान आंदोलन होने से हमारी समस्या भाजपा सरकार बिल्कुल फेल हो चुकी है। आज हम जिस चीज़ का व्यापार कर रहे हैं, लोहे का, इस लोहे के व्यापार में पिछले जो है 2 महीने के अंदर 15,000 रुपये टन का बाज़ार बढ़ चुका है, जो कि एक मायने रखता है। और इस सीमा को जो है सरकार देख नहीं रही। आगरा लोहा व्यापार संघ के अध्यक्ष मुकेश अग्रवाल ने कहा कि लोहे का निर्माण करने वाली बड़ी कंपनियों ने किसान आंदोलन के बीच सरिया में प्रति क्विंटल 1,000 से 1,500 के रेटों में इजाफा किया है। इससे छोटे मकान के निर्माण में 2 लाख रुपए का बजट बढ़ गया है। इससे जो आम जनता है, जो अपना घर मकान बनाता है, उसमें रहता है, उस पर बेहद असर आ गया है। आज जो एक मकान बनाता है, छोटे से छोटा मकान बनाने वाला भी 2-2 लाख रुपए लोहा खरीदने में उसको फर्क आ रहा है। सरकार को चाहिए किसान आंदोलन का तुरंत हल करे, अदरवाइज जी तेजी इसी तरह बनती रही तो सरकार बिल्कुल फेल है, व्यापारी बर्बादी के कगार पर पहुंच जाएगा। शहर में विभिन्न क्षेत्रों में चल रहे भवन निर्माणों में लोहे के दामों में एकदम आए उछाल ने लोगों ने बीच में ही मकान निर्माण रुकवा दिया है। सी न्यूज के लिए अजय बहादुर की रिपोर्ट।